3, 2, 1, toss your cap. देखा था कि मैं अपने गांव से निकल गई थी। ये वाला व्लॉग मैं बीच रास्ते से शुरू कर रही हूँ क्योंकि गांव से निकलते टाइम मौसम खराब हो गया था, तो मुझे लगा शायद बारिश हो जाए। तो अभी मैं थलौट में पहुंची हूँ। आप मेरे पीछे की ये नदी देख सकते हैं, ब्यास नदी बह रही है। अभी ये पूरा पहाड़ मैं कवर करके आई हूँ, पूरा ट्रैवल करके आई हूँ अकेले। 2-3 दिनों में मेरी कॉन्वोकेशन है कॉलेज में, तो बस मुझे उसी के लिए चंडीगढ़ पहुंचना है। फिलहाल आज का मेरा सफर रहेगा यहाँ से शायद मंडी या सुंदरनगर तक। तो अभी 3 बजने वाले हैं और मैं थलौट से निकल रही हूँ। पहन लेते हैं अपना हेलमेट और बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। अभी मम्मी ने अपनी एक चुनरी दी थी ब्लैक कलर की, बस उसी से ही अपना मुँह कवर कर रही हूँ। तो हो गई हूँ रेडी, अब निकलते हैं। ये मैं पंडोर से थोड़ा पीछे पहुंची हूँ और ये NH21 अब हमारी बिल्कुल रेडी है आने के लिए भी जाने के लिए भी। मैं तो पहली बार जा रही हूँ यहाँ से। ये वाला ये जो टूट गया था ना, बह गया था, ये फिर से रेडी हुआ है, तो मैं पहली बार जा रही हूँ। चलो देखते कैसा बना है। अभी अभी 2 रास्ते हो गए जाने के लिए, एक तो सीधा और एक ये देखो भाई बिल्कुल ही रेडी हो गया है NH21। अब जो है गाड़ियाँ आ भी रही है, जा भी रही है इसी रोड से। और ये देखो पूरी रोड बह गई थी भाई, ये नीचे ये नदी नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि बरसात में क्या कंडीशन रही होगी, इतना ज़्यादा पानी आया। ये देखो अभी भी कुछ ना कुछ काम चला ही हुआ है। अभी मैं मंडी पहुंच गई हूँ और मेरे को मिल गया है मूछ फाड़ने वाले सारे बंदे। इसको तो देख, तू तो शर्म मुंह वो छुपाता है जिन्होंने गलत काम किया होता है। इसका नाम है नहीं है फड़े दूधी कहनी, इसका नाम है उजू। ये है उजू मनिका, ये है मनिका, है टनिका, शादी कर रहे हैं क्या वो मनिका? अब उज्जवल मेरा पर है, ये नमूने मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। मंगलम भगवान विष्णु, आप मंडी देखो, ये मंडी लीकाक्ष मंडलाय मंडी का मंडी, मैं हूँ स्वयंवर में होने वाला पर। ठीक है, मतलब स्वयंवर मतलब खुद का वर। अच्छा, खुद का दूल्हा? तो खुद के साथ शादी करेगा? नहीं, इसका लड़की नहीं मिल रही। इसको ना लड़की मिली, लड़का मिल रहा। मैं जीत गया, सब इसको मिल जाएगा। ये देखो भाई मैं सुंदरनगर तो पहुंच गई हूँ, वहाँ पे देख लो वेलकम टू सुंदरनगर। पर दुख खबरी ये बात ये है कि ऊपर जो काले बादल है इन्होंने बरसात कर दी। पर खुश खबरी ये है कि आलू टिक्की के पास ही बरसात हुई है और जहाँ पे मेरा अड्डा था उधर ही बरसात हुई और उधर ही खाने पीने का भी मेरे को मिल गया। इधर से करवाई है मैंने मस्त आलू टिक्की, अब बरसात के मौसम में खाते हैं आलू टिक्की भाई। मस्त चाट थी, ये आलू टिक्की नहीं थी, तो मज़ा आ गया भाई। चाट भी खा ली और बारिश भी हल्की भी नहीं है वैसे, पर बादल काफ़ी खूंखार है। शायद अब के बाद थोड़ी और तेज़ बारिश हो। पर अभी हम निकलते हैं रूम की तरफ, यहाँ से रास्ता है रूम के लिए। भाई तो अभी लाइब्रेरी में ही होगा, तो मैं ज़रा बैग बुक रख दूँ। भाई आ गए लाइब्रेरी से और हम आ गए हैं सुंदरनगर में। लगा मेरा बाहर दिखाएंगे इनको, जा टेक टू एक्शन। वो आ रहा भाई सुंदरनगर में, लगा मोटा ही मेरा बाहर जा देख, दिखाओ दर्शकों बने कि मेला कैसा होता है। सुंदरनगर में लगा है तगड़ा मेला, ये देखो भाई।
मेला देखने के बाद चाय तो पीनी पड़ेगी। इसीलिए मस्त चाय सुट्टा वाल की चाय और हम निकल गए हैं बाहर। आपको एक चीज बताती हूँ, चाय सुट्टा वाल में बर्गर नहीं मिलता है, रूगर मिलता है। देवी देवता मेले से जा रहे हैं, अभी कल ही स्टार्ट हुआ है, मेले को जा रहे हैं और जो मेले से जाके आ भी रहे हैं मेरे को वापस, उस साइड लगा है मेला। यहाँ देखो शिव पार्वती। तो चलो अभी चलते हैं भाई के रूम। बोला तूने फागली में बहुत मजे किए, मेरे को भी नहीं बुलाया तूने, कैसे क्या बंदी है तू ऐसी, तेरा ही घर था वो, क्या बंदी है तू ऐसी। अच्छा दोस्त ठीक है, तब कहीं नहीं गया, यही है। थैंक यू नाउ।